नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं ओमकार चौधरी सर, सीनियर भी और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, गुरु की तरह हैं, जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है पत्रकारिता में। लेकिन आज का मुद्दा बहुत अलग है। आप लोग बहुत दिन से ईडी और ये सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन ओमकार सर के जमाने का एक गाना है, वहां से मैं शुरू करूंगा, लेकिन उसकी लाइनें कुछ मैंने बदल दी हैं। लाइन कुछ इस प्रकार से है, ये मोदी हमें किस मोड़ पे ले आया, एक तरफ ईडी हाय, दूसरी तरफ सीबीआई क्या होगा। सर, देश में जिस हिसाब से छापे पड़ रहे हैं, एक दर्शकों को एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दो जो शायद किसी चैनल ने नहीं दी होगी आपको, कि कविता ने कहा ईडी को कि हम बता देंगे, हमको क्लियर कर दो, बाकी केजरीवाल को पकड़ना है, मनीष को करना है, सत्येंद्र जैन को, वो आप जानो, हम तैयार हैं लिटरली सरकारी गवाह बनने को, सारा चीज हम बता देंगे। सर, ये जो ईडी पे के द्वारा जो ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं, क्या इसने 2024 का पॉलिटिकल चुनावी टोन सेट किया है? यहीं से आपसे शुरुआत कराएंगे सर। बिल्कुल टोन सेट कर दिया है अभिषेक जी, और मेरा तो मानना है कि अब जो बहुत सारे मुद्दों को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी कि ये मुद्दा हो सकता है, वो मुद्दा हो सकता है, और उनमें बहुत सारी चीजें हैं। उनमें ये भी था कि भाई मोदी सरकार ने विकास योजनाओं को, प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाया है बहुत तेजी से, हाईवेज, एयरवेज और वाटरवेज, ये सब चीज़ें। इसके अलावा कई धर्म स्थलों की बातें की जा रही थी कि वो भी एक इम्पैक्ट बन करके आएंगे। कश्मीर में शांति हुई है, इसका भी जो है वो उल्लेख जरूर करेंगे। भगवान राम का मंदिर बन रहा है जो जनवरी 2024 में भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, इसकी भी चर्चा चल रही थी। लेकिन आपने सही कहा है कि महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, जितने भी स्टेट्स में आप देख लीजिए, हर जगह जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई है और संकल्पबद्ध दिखाई दे रही है मोदी सरकार भी और उनकी एजेंसियां भी, कि हमें भ्रष्टाचारियों को बख्शना नहीं है। पिछले दिनों विज्ञान भवन में सीबीसी की एक बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, उसकी फुटेज उपलब्ध है सोशल मीडिया पर जी। और वहां उन्होंने ये कहा था कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं है, हमें देश की जनता के हक का जिन्होंने मारा है उनको उनके सही जगह पर पहुंचाना है, और ये बहुत बड़ी बात है। और एक बार एक जनसभा में भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि आप देखिएगा, अब ये सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों कहा था उन्होंने? उन्होंने ये इसीलिए कहा था कि ये मेरा भी चरित्र हनन करेंगे, मेरे परिवार तक पहुंचेंगे, आप लोगों के परिवार तक पहुंचेंगे, जो एजेंसियां और जो अधिकारी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सही बात। और इनमें से बहुत सारे लोगों के बयान हम देखते ही हैं, मतलब जो 2013-14 से इन्होंने शुरू किया था नरेंद्र मोदी को गाली गलौज करना, बल्कि 2007 में सोनिया गांधी ने शुरू कर दिया था गुजरात दौरे के समय, मौत का सौदागर, बिल्कुल। तो वो सिलसिला 2013-14 में और तेज हो गया था, क्योंकि इनको ये पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है, कि नरेंद्र मोदी वास्तव में कट्टर ईमानदार आदमी है। ये कट्टर ईमानदार नहीं है जिनके यहाँ अब छापे पड़ रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो जेल में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री है, एक ऐसा प्रधानमंत्री, मेरे विचार से पहला प्रधानमंत्री इस देश का, जिसके घर में उसके भाई नहीं रहते, उसके परिवार के लोग नहीं रहते, उनकी मदर सिर्फ एक बार आई थी एक हफ्ते के लिए, वापस चली गई थी। तो इनको अपने जीजा के लिए कुछ नहीं करना है,
अपने फूफा के लिए कुछ नहीं करना है, अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं करना है, तो ऐसे लोग, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जिनका जिनका जुनून ही है कि अगर हमें सेवा का अवसर मिला है इस देश की जनता के द्वारा, तो हमें अपना पूरा जीवन जैसे समर्पित कर देना है उनकी सेवा में। और संसदीय कक्ष का वो भाषण 2014 का, जब इनको संसदीय दल का नेता चुना जाना था, जहां लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, उन्होंने कहा था कि मेरी जो सरकार बनने जा रही है, ये जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी चिंता करेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, सरकार वन और सरकार टू ने, जितना गरीबों के लिए किया है, जितना उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के काम किए हैं, और जिस तरीके से अब जो अलग अलग राजनीतिक दलों और चेहरों को ये गलतफहमी थी कि ये हमारा वोट बैंक है, उस वोट बैंक में भी जिस तरीके से सेंध लगाई है, उसकी वजह से ये बौखलाहट और ज्यादा हो गई है जो हमें और आपको दिखाई दे रही है। तो ये तो बिल्कुल आप तय समझ लीजिए कि 2024 का इलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट दल बनाम नरेंद्र मोदी होने जा रहा है। ओके, एक दर्शकों के लिए एक शेर अर्ज है कि डेंगू में खुद था, दूसरों से पानियां खाली करवाता रहा। डेंगू में खुद था, इस तस्वीर से आप लोग मायने मत निकालिएगा, लेकिन ये किसी और आदमी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग किसी से कनेक्ट करते हैं तो ये आपकी मर्जी, के डेंगू में खुद था, बीमारियां में खुद फैलाता रहा, आम आदमी का जीवन जीने के बहाने लोगों से पानी और टंकियां साफ करवाता रहा। आप लोग समझ जाइएगा, ये जो करप्शन का डेंगू है उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी ने जो अभियान छेड़ा है। दो महत्वपूर्ण खबरें बता दूं, दर्शकों के भी सवाल है, क्या संजय सिंह का नंबर लगने वाला है? तो हाँ, ईडी के पास सच में ऐसे साक्ष्य आए हैं जो इस पूरे शराब घोटाले को वहां तक भी लेके जाते हैं। सच तो ये है कि अगर मेरे सोर्स की इंफॉर्मेशन ठीक है कि कविता के बारे में जो कुछ भी चल रहा है, तो लॉटरी तो केजरीवाल की भी लगेगी, फिर बड़ा ईमानदारी का मजाक होगा। अब देखिए, दो तरह की बातें चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था, वो ट्वीट था कि ये लोग मनीष सिसोदिया को जेल में मरवाना चाहते हैं। ये जो पॉलिटिक्स है इसको आपको समझना होगा। उसने मनीष सिसोदिया को बोला होगा, ऐसा है बताना मत ना, नहीं तो जेल में टपकवा भी देंगे और नाम भी लगा देंगे मोदी का, कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा मेरा। जिस प्रकार की राजनीति पे अरविंद केजरीवाल उतरे, और लालू प्रसाद यादव के घर पे 600 करोड़, मैं दिखा देता हूं, चूंकि ओमकार सर ने अमर उजाला के साथ कई सालों तक काम किया, और ये खबर अमर उजाला से ही मैंने जानबूझ के इसीलिए निकाला है, हर न्यूज़पेपर में है। रेड अगेंस्ट लालू फैमिली, ईडी का दावा, लालू परिवार के ठिकानों से 600 करोड़ की संपत्ति के सबूत मिले, और 600 करोड़ की संपत्ति के सबूत मिल गए ईडी को, फिर भी अरविंद केजरीवाल जैसे लोग और विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव के साथ, और विपक्ष के नेता ही क्यों, इस देश के वो पत्रकार जो दूसरों को गोदी मीडिया कहा करते हैं, वो भी लालू के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। ओमकार सर से मेरा अगला सवाल यही, साक्ष्य है, करप्शन सीधे सीधे डंके की चोट पे ओमकार सर की जा रही है, और फिर भी बेशर्मी के साथ खान मार्केट गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग खड़ा है, तो क्या मोदी समर्थकों को नैतिकता और मोदी सरकार को नैतिकता का पालन करना चाहिए, या युद्ध नीति में अब सीधे सीधे बदलाव की आवश्यकता है? जी देखिए, ये जो लुटियन मीडिया है या लुटियन गैंग है, और ये जो लूटने वाला गैंग है जी, इन दोनों के बीच तो बहुत लंबे समय से दुरूभि संधि ही है। दोनों के बीच में जो मेल मिलाप है, जो समझ बूझ है, जो सहयोग है, वो कोई छिपा नहीं है। कभी सारे दर्शकों को कहता हूँ, गूगल पर कभी समय मिले तो जरा उस पर सर्च करिए, राजदीप सरदेसाई, शरद पवार,
राजदीप सरदेसाई, ममता बनर्जी, राजदीप सरदेसाई किसी दूसरे उसी लूट गैंग के किसी सदस्य का नाम डालिए, उनके सबके साथ इनकी तस्वीरें मिल जाएंगी। फिर किसी लुटियन मीडिया के दूसरे चेहरे का नाम डालिए, फिर इन नेताओं के नाम डालिए, आपको सबके साथ तस्वीरें मिलेंगी, और इंटरव्यू करते हुए नहीं, उनके साथ खड़े हुए, मुस्कुराते हुए, दोस्ती निभाते हुए। तो सवाल है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब इनके यहाँ छापे पड़ते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज तो बनती है, लेकिन किस अंदाज में बनती है वो आप जरा गौर फरमाइएगा जी। और उसका काउंटर करने के लिए फिर किस तरीके से दूसरे पक्ष के किसी व्यक्ति को ढूंढ करके लाया जाता है, किसी नेता को ढूंढ करके लाया जाता है, किसी कारोबारी के ऊपर अटैक करना शुरू किया जाता है मीडिया में, ये भी जरा देख लीजिएगा। ये हमेशा गौर करिएगा कि जब भी कोई इनके खिलाफ यानी लुटेरे गैंग के खिलाफ, उनके किसी सदस्य के खिलाफ कोई खबर ब्रेकिंग हो रही होती है, उसके 5-7-10 मिनट में उसको बैलेंस करने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए एक दूसरी खबर चला दी जाती है या कैप्सूल चला दिया जाता है। ये इस देश में खेल हो रहा है, यानी पापों को छिपाने की कोशिश हो रही है, और ये बताने की कोशिश हो रही है कि अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ की है तो उधर के लोग भी साफ सुथरे नहीं है। सोशल मीडिया पर आपने देखा है, अभी कर्नाटक के किसी एमएलए के नौकर शाह बेटे के यहाँ से 8 करोड़ रुपया कुछ मिला जी, इसी जी। तरीके से गुजरात में कहीं से कुछ मिला था। इन दोनों खबरों को लेकर के जो पॉलिटिकल क्लास है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव एंड कंपनी, दूसरे तमाम लोग, वो इस समय आक्रामकता दिखा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कर्नाटक में जो एमएलए के बेटे के यहाँ छापा पड़ा है, वो छापा किसने डाला है? अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस ने डाला है क्या जाकर के? या गुजरात में अगर कोई बीजेपी का नेता पकड़ा गया, उसके यहाँ कोई लूटी हुई चांदी पकड़ी गई, तो वो सर्च किसने की, वो बरामद किसने की, वो गिरफ्तारी किसने की? गुजरात पुलिस ने की ना। तो अगर गुजरात पुलिस बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदारों को नहीं बख्श रही है, अगर वहां पर भी कर्नाटक में भी किसी बीजेपी एमएलए के बेटे को नहीं बख्शा जा रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की प्रशस्ति ही कर रहे हैं कि अगर वो विपक्षी दलों के नेताओं, भ्रष्ट नेताओं को नहीं बकस रहे हैं तो अपने नेताओं को भी कोई छूट नहीं दे रहे हैं, उनकी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये तो अभिषेक जी होगा, अगर आप किसी के पेट पर लात मार देंगे, किसी की लूट पर लात मार देंगे, अगर किसी की दलाली बंद कर देंगे, जो 2014 से पहले खूब हो रही थी। अरे और प्लेन में जाते थे सर, दारू की बोतल फ्री मिलती थी, स्वीट बुक होते थे पत्रकारों के लिए। मैं तो दिल्ली में चूंकि पत्रकारिता कर चुका हूं, मैं लोकसभा भी कवर करता था और जी जी मैं AICC भी कवर करता था, तो AICC कवर करने वाले पत्रकारों की किस तरीके से देखभाल की जाती है और किस तरह उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है जब भी कहीं दिल्ली से बाहर टूर पे होते हैं इनके नेता, वो तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जी जी। तो इनकी परेशानी ये है कि जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में साथ यात्रा करने का मौका नहीं मिल रहा है, ना देश के भीतर ना विदेशों में। मनमोहन सिंह के समय तो मामला ही अलग था, दिल्ली से उड़ान भरते थे, हवाई जहाज टेक ऑफ करने के बाद सीधा होता था, बोतलें खुल जाती थी, जहां जिस देश में जाकर के उतरते थे वहां भी 5-स्टार होटल में तमाम सुख सुविधाएं, वहां घूमने की तमाम सुविधाएं, और डॉलर के अगर आपको शॉपिंग करनी है या आपको कुछ मौज मस्ती करनी है तो आपकी मौज मस्ती में कसर ना रह जाए। वो भूल जाते थे कि हम प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने के लिए आए हैं, फिर उसके लिए PIB होता ही था, प्रेस नोट तैयार करके देने वाला।
तो ये सारी चीजें जो हैं अब खत्म हो गई हैं। प्रधानमंत्री का स्टाफ तो कह देता है कि भैया अगर आपको विदेशों में कवर करना है अपने खर्चे पे जाइए, हवाई जहाज जो आप इकोनॉमिक क्लास में जाना चाहें, जो रूटीन के हवाई जहाज हैं उनमें जाइए, अगर आपका दफ्तर आपका मीडिया हाउस आपको अलाउ करता है उतना खर्च करता है आप बिजनेस क्लास में चले जाइए और वहाँ चाहे 5 स्टार छोड़ दीजिए 7 स्टार होटल में रुकिए, पर प्रधानमंत्री आपको लेकर के नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ तो जो फोटो डिवीजन या फिल्म डिवीजन का कैमरा पर्सन होता है, पीटीआई यूएनआई का होता है, एक आध और एजेंसी एएनआई वगैरह का होता है, और तो कोई नहीं जाता। तो और जो दलाली करते हैं, जो राडिया को कौन भूल जाएगा, बरखा क्या किया था उस समय, बिल्कुल जो लॉबिंग होती थी कि कौन मंत्री बने और उस मंत्री को कौन सा विभाग मिले, तो ये सारी चीजें तो खत्म हो गई ना, इनकी दलाली खत्म हो गई, इसलिए ये इनके सारे पाप छुपाने में लग जाते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं कवरेज के स्तर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सरकार के प्रति इनका जो रवैया है, जो आक्रामकता है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हमने प्रायोजित धरने देखे हैं, प्रदर्शन देखे हैं, CAA के खिलाफ भी, मतलब परसेप्शन क्रिएट करना कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, 3 कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं, मतलब देश में एक अराजकता फैलाने वाली ताकतों के साथ ये लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। और जो नरेंद्र मोदी सरकार इस देश की प्रगति के लिए, अमन के लिए, प्रतिष्ठा बहाली के लिए काम कर रही है, उसके खिलाफ खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है। और एक बात और कहूंगा मैं, 2004 से 2014 तक जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो एक मजबूर सरकार थी। 2004 में कांग्रेस को केवल 145 सीटें मिली थी, 2009 में केवल 205 सीटें मिली थी। तो जो अलग अलग क्षेत्रीय दलों के नेता थे उनके रहमो करम पर वो सरकारें चली थी दोनों। तो उस समय तो जो लूट मनमोहन सरकार में बैठे हुए मंत्री कर रहे थे वही तो अब सामने आ रही है। 600 करोड़ की संपत्ति आप बता रहे हैं कि ईडी ने जानकारी दी है कि इनकी 600 करोड़ की संपत्ति का अभी शुरुआती आकलन है ये। हाँ, ये बिल्कुल शुरुआती आकलन, कहां तक पहुंचेगी कह नहीं सकते हैं। तो ये सारी लूट बंद हो गई है और भ्रष्ट जो नेता हैं वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किसी भी राज्य से हैं, किसी भी जाति को बिलोंग करते हैं, उन सब के खिलाफ चूंकि शिकंजा कसा गया है इसलिए सबकी नानी मरी हुई है। ठीक बात। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लें। वो मुझे और ओमकार सर को आजकल अपने अपने शो में कहना पड़ रहा है क्योंकि दर्शक पता नहीं 1000 लोग जुड़े हुए हैं लेकिन लाइक जो है वो 400 कुछ है, तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक। लेकिन अब आपके फेवरेट सेगमेंट में, चूंकि 2024 पे मैं बात कर रहा हूँ सर, हमने एक सर्वे कंडक्ट कराया करप्शन पे वार को लेकर के। सर्वे का साइज, चूंकि हमारी ऑलरेडी टीम कर्नाटक, MP और बिहार में और UP में है, तो हमने कहा कि भाई ये जो चल रहा है जितने लोगों से मिल सकते हो, तो सर्वे का अभी सैंपल साइज तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 6000 का सैंपल साइज है। 6000 के सैंपल साइज होने के बावजूद लगभग 70% लोगों का कहना है कि भ्रष्ट नेताओं को ये जेल भेजने की जो कार्रवाई है नरेंद्र मोदी की वो जबरदस्त है। इसके बाद हमारा एक पैरेलल सर्वे और सीटों का आकलन कर रहा है, कुछ राज्यों पे हमने किया है। MP में हमारे आंकड़े जो है वो NDA को प्लस 35 सीट से अधिक दे रहे हैं। 75 सीट उत्तर प्रदेश में मिलती हुई नजर आ रही है हमारे आंकड़े के अनुसार। बिहार जैसे स्टेट में जहां पे पूरा महागठबंधन है वहां पे 27 प्लस सीटें मिल रही हैं। कर्नाटक में राज्य सरकार भले स्ट्रगल कर रही हो मगर वहां पे 22 लोकसभा की सीटें जीतती हुई दिख रही है। MP में कमोबेश वही हालत है, वहां पे 24 मिलती हुई नजर आ रही है। बाकी जो है राजस्थान और गुजरात में एक बार फिर से हमारे आंकड़ों के अनुसार स्वीप कर रहे हैं। सर थोड़ा ये समझाइए कि क्या अब वाकई सोशल मीडिया के आने के बाद
इस देश की जनता समझदार होती जा रही है और समझ गई है कि ये नरेंद्र मोदी का साथ देना बहुत जरूरी है। ये जॉर्ज सोरस गैंग चाहे कुछ भी झूठ फैलाए, हमें मीडिया को सुनना ही नहीं, हमें अब सोशल मीडिया पे जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनको सुनना है और समझना है कि देश में क्या चल रहा है, और उसकी वजह से ये देश में बदलाव नजर आ रहा है। जी देखिए, एक परसेप्शन इस देश के नागरिकों के बीच चला गया था, एक धारणा बैठ गई थी कि सबके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, किसी को थाने बुलाया जा सकता है, हवालात में डाला जा सकता है, इस देश के नेताओं का कुछ नहीं हो सकता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और खास तौर से ये कहा जाता था कि सब पॉलिटिशियन तो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, उनका कोई क्या उखाड़ेगा। लेकिन अब एक देश में ऐसी सरकार काम कर रही है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं और उनकी बैक पर पूरी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि केवल पार्टी नहीं खड़ी हुई है, देश खड़ा हुआ है। और ये जो मजबूती है नरेंद्र मोदी के भीतर कि हम अब बख्शेंगे नहीं, भ्रष्टों को किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे, तो ये शक्ति भी देश के नागरिक उनको प्रदान कर रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों के शीर्ष नेता भी गिरफ्तार हो रहे हैं और जेल भेजे जा रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। एक ये कुछ तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये इन्होंने भी विक्टिम कार्ड खेला है, जो हाल में घटनाएं हमने दिल्ली में देखी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, जब जून और जुलाई में ईडी ने नेशनल हेरल्ड केस में उनको तलब किया था, तब आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पर कैसे कांग्रेसी छाती पीट करके नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे। जबकि वस्तु स्थिति क्या है, 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस डाला था अदालत में नेशनल हेरल्ड का, 2012 में तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, 2012 में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बिल्कुल, तो 2012 से लेकर के 2015 लग गए ये कबड्डी खेल रहे थे, कभी हाई कोर्ट जा रहे थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे कि इस केस को रद्द ही कर दिया जाए, इसमें सुनवाई ही ना हो, मतलब ये अदालत में आना ही नहीं चाहते थे। ये चूंकि राजा महाराजा हैं इस देश के, सो कॉल्ड राजा महाराजा, तो इनको लगा कि हमारे ऊपर कौन केस डाल सकता है, हमारे ऊपर कौन प्रश्न खड़ा कर सकता है, हम चाहे जो करें। लेकिन 2015 में इनको शायद दिसंबर 19 था जब इनको जमानत करानी पड़ी। जी जी, और फिर भी आप देखिए 2015 से 2022 आ गया जब इनको ईडी ने तलब किया पूछताछ के लिए, और इनको तब भी परेशानी थी कि हम जवाब क्यों दें, भाई आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं, आप पर कानून कायदे नियम लागू होते हैं कि नहीं होते हैं, आप अगर देश के हर नागरिक के ऊपर वही धाराएं लागू होती हैं भ्रष्टाचार करने अपराध करने पर, तो आप उससे ऊपर हैं क्या। तो इनको सबको पीड़ा इसी बात की है। ये 2004 और 2014 के बीच का मैंने इसलिए भी चर्चा किया था आपसे कि उस समय तो ये था ना कि तू मेरी कमर खुजा मैं तेरी कमर खुजाऊंगा, मतलब तू मेरा ख्याल रख मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं तेरे राज फास नहीं करूंगा तू मेरे राज फास मत कर, तू मुझे कमाने दे तू भी कमाता रहे। तो उस समय मजबूरी के प्रधानमंत्री थे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, अपनी सरकार के एक मंत्री को भी बर्खास्त नहीं कर सकते थे कि तूने गलत काम किया है, सरकार गिर जाती। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री है जिसको अपने दम पर बीजेपी के दम पर 282 2014 में मिली थी और 303 सीटें 2019 में मिली थी, तो वो मजबूर नहीं मजबूत प्रधानमंत्री है, और उनका उनके कोई आगे पीछे भी नहीं है कि जिसकी वो चिंता करें, वो अपनी भी चिंता नहीं करते हैं। हाँ, ये बात सही है, वो अपनी भी चिंता मुझे क्या होगा,
वो देश की चिंता कर रहे हैं या देश के गरीब गुरबाओं की चिंता कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो बौखलाहट चारों तरफ दिखाई दे रही है वो वजह यही है और कोई नहीं। ठीक, दिवाकर पांडे का कहना है शरद पवार लालू से भी बड़ा करप्ट है, इनको कब धरेंगे? महाराष्ट्र पे आते हैं थोड़ा सा। महाराष्ट्र पे ऐसा नहीं है कि इनकी पार्टी के लोगों पे, इनका तो होम मिनिस्टर जेल भेज दिया गया था, वो उस वक्त था सत्ता में, और महाराष्ट्र कोई दिल्ली नहीं है। उसके बाद बाकी लोगों, एक तो अभी जेल में ही है वो नोटोरियस क्रिमिनल जो था, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये गजब है। ये जो बदलाव आया है देश में, चाहे सोशल मीडिया का योगदान रहा हो या फिर जो सोशल मीडिया के चैनल हैं, जैसे ओमकार सर का ओशियन नेटवर्क है, मेरा है, जयपुर डायलॉग्स है और राष्ट्रवादी जो चैनल्स हैं। अब क्या आपको एक बात दर्शकों को मैं बताऊं, ये कांग्रेस में सबसे पहले इस बात को सेंस किया था कपिल सिब्बल ने 2012 में। उन्होंने उसी समय कहा था एक लॉ बना करके ये सोशल मीडिया को बैन करो भारत से, वरना कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। तो ये जो डर है और सपोर्ट पब्लिक का नहीं मिलना, ये दूसरी बौखलाहट है। और जो मेरा सर्वे आया उस पे सर ने ज्यादा बात नहीं की कि वो सर्वे कहाँ कहाँ के लिए, कम से कम लेकिन यूपी के बारे में पूछते हैं। सर पॉसिबल लगता है, एक बार योगी जी ने कहा था 80-80 जीतेंगे, लेकिन हमारे सर्वे में अभी भी उत्तर प्रदेश में 75 सीटें दिखा रहा है बीएनडी। अगर यूपी में सिर्फ 75 आ जाता है तो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि 100 सीट नहीं जीतने देंगे बीजेपी को, कैसे रोकेगा विपक्ष? विपक्ष अपनी खिसकी हुई जमीन की चिंता कर रहा है, जो सुनहरे दिन थे उनके लौटने का इंतजार कर रहा है, और शायद इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसी घटना तो घट जाए जिससे नरेंद्र मोदी को वो कटघरे में खड़ा कर सकें, और शायद इन इन चीजों का इंतजार करते करते उनकी आंखें पथरा गई हैं। वो घड़ी आप लौटने नहीं दे रहे हैं सर, आप लोग की पत्रकारिता ऐसी है, स्टाइल ऑफ ओशियन नेटवर्क जिस प्रकार से पत्रकारिता कर रहा है, आप लोग लौटने कहां दे रहे हैं? आप लोग बताते कि अडानी के मुद्दे पे मोदी जी को आप भी घेरते फिर इनके साथ, हो नहीं पा रहा है ना। ये कहते हैं कि अडानी के खिलाफ साफ सीबीआई की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, अडानी के खिलाफ ईडी को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। भैया एक काम करो, ये मांग करने वाले एक कृपा करो, अगर अडानी के खिलाफ आपके पास कोई ऐसा दस्तावेजी सबूत है तो आप किसी अदालत का दरवाजा जाके खटखटाइए। और बीजेपी ने खटखटाया था सर, कोल स्कैम और 2G में, दोनों में, और उसके बाद ही जांच हुई थी। तो आप जाइए अदालत, अदालतें तो आप यही मानेंगे ना कि वो मोदी सर के तहत काम नहीं कर रही हैं, स्वतंत्र तरीके से काम कर रही हैं। तो बदनाम करना एक बात होती है और उन चीजों को साबित करना एकदम डिफरेंट चीज है। अड़ानी हो, अंबानी हो या दूसरे महिंद्रा गोदरेज हो, आपके टाटा ग्रुप हो, सारे चाहे बिड़लाज हो, अब तो इतने उद्योगपति हो गए हैं, इन सब का भी इस देश के विकास में योगदान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अगर उन्होंने कोई पाप किए हैं तो कानून काम करेगा ना। तमाम जो निगमित करने वाली संस्थाएं हैं वो अपना काम करेंगी, और जब ये बवंडर खड़ा करने की कोशिश की थी, चाय के प्याले में तूफान लाने की कोशिश की गई थी कि साहब अड़ानी ने ये कर दिया, अड़ानी ने वो कर दिया, तब भी वित्त मंत्री ने कहा था निर्मला सीतारमण ने कि जो एजेंसियां हैं जो निगमित करती हैं इन चीजों को, वो हर घटना पर नजर रखे हुए है, यहाँ तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नजर रखे हुए और हम भी नजर रखे हुए हैं। वो एक कंपनी के भीतर का मामला है जिस पर सवाल खड़े किए हैं किसी विदेशी एक रिसर्च कंपनी ने, जिसका काम ही ये है कि इस तरह की चीजें फैलाओ और उससे आर्थिक लाभ कमाओ। और बिल्कुल बहुत सारे देशों में वो बैन हो चुकी है हिंडनबर्ग, लेकिन यूएस में खुद बैन है। हमारे यहाँ तो हिंडनबर्ग को कंधों पर उठा करके जश्न मनाया जा रहा है कि वाह
क्या काम किया है आपने, लेकिन वो जश्न जो है 12 दिन का था, 15 दिन का था। अब अडानी के शेयर फिर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ ज्यादा समय चल नहीं सकता है, सच ही उभर करके ऊपर आता है। तो वही आलम इनका है, थोड़े देर के लिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हल्ला करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे करेंगे, थोड़े समय के लिए जॉर्ज सोरोस का कोई बयान आ जाए तो उस पर हल्ला करेंगे, लेकिन जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो हकीकत और वास्तविकता ही रहेगी, उसको आप झुठला नहीं सकते। चलिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, अडानी तो नहीं डूबा, सिलिकॉन वैली वाले बैंक डूब गए। खैर, भगवान भला करे इनका। शुभजीत महापात्रा कह रहे हैं, भाई नमस्कार यू एंड ओमकार सर, क्या तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में इस बार बीजेपी जीतेगी? देखिए, लोकसभा में बीजेपी अनडाउटेडली रिमार्केबल परफॉर्म करने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के कोई आंकड़े नहीं है। एक बार मैं खुद वहां पे जाऊं, मेरी टीम वहां पे जाए और हम रिसर्च करेंगे और उसके बाद आंकड़े आपको बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आंकड़ों में देखिए ओमकार से भी मुझे इलेक्शन के लिए बुलाते हैं या कोई भी बुलाता है, तो उसका एक कारण है, कम से कम हम ये नहीं चाहते कि खान मार्केट की गैंग की तरह आपको कोई भी आंकड़े दे। आंकड़े वो होने चाहिए जिसपे आप रिलाय करें, आप उसके हिसाब से मूड बनाए और काम करें। मेरे हिसाब से लोकसभा में अभी अच्छा परफॉर्म करने जा रही है, विधानसभा के आंकड़े नहीं है, लेकिन जल्दी आएगा और हम उस पर डिटेल्ड बात करेंगे। बिल्कुल। अभिषेक, एक और सवाल आया है, अभिषेक भाई इस बात पर प्रकाश डालें, मोदी विरोधी 2014 से पहले क्या क्या हथकंडे अपना सकती है? एक हथकंडा तो ओमकार चौधरी सर के चैनल पे इन्हीं के द्वारा किया गया शो है, उसमें मैं नहीं हूं, कि ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा ही इटसेल्फ जो है वो इस देश में अपने सोए हुए स्लीपर सेल और इन लोगों को जगाने के लिए है, ताकि और किसान आंदोलन और शाहीन बाग जैसी चीजें भविष्य में होंगी और भारत की जनता तैयार रहेगी। उसके लिए आपको ओशियन नेटवर्क पे जाकर के वो शो ढूंढना होगा, आई थिंक ओमकार सर को चैनल का उस वीडियो का टाइटल याद होगा, मैंने देखा था, टाइम हो गया, वो 2 महीने पहले था, उसको देखिएगा, बड़ा नॉलेज है उस वीडियो में। मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, वो अभी हमारे पास कंफर्म न्यूज नहीं है, वो ट्वीट भी फेक था, ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ओमकार सर आज हमारे साथ जुड़े थे, 1400 लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सवाल हमें व्हाट्सएप या मेल पे भी पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ओमकार सर, शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओशन आपका भी धन्यवाद और जितने दर्शक जुटे थे उनका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।